कोरोना काल के बाद एविएशन सेक्टर में रौनक लौटने की उम्मीद है। अक्टूबर माह के अंतिम रविवार से जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल लागू होगा। एयरलाइंस द्वारा अभी तक के जारी शेड्यूल के मुताबिक जयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल में आधा दर्जन नई फ्लाइट जुड़ेंगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट में देखिए कौन कौन से शहरों के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। मार्च 2020 के बाद से ही एविएशन सेक्टर बेहाल है। फ्लाइट्स अपने पुराने रिदम में नहीं लौट पा रही है। अभी जयपुर एयरपोर्ट से रोज औसतन 47 फ्लाइट चल रही है। इनमें भी कई बार यात्रियों की संख्या 50-60% तक ही रहती है। कम यात्री भार की वजह से एयरलाइंस को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब 30 अक्टूबर से लागू होने वाले नए फ्लाइट स्केड्यूल से उम्मीद जगी है। चूँकि अक्टूबर माह से प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू हो जाता है और बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटक जयपुर सहित प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए आते हैं, तो फ्लाइट्स में यात्री भार काफी अधिक हो जाता है। इसी उम्मीद के चलते अब एयरलाइंस ने विंटर स्केड्यूल में जयपुर एयरपोर्ट से आधा दर्जन नई फ्लाइट शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। ये फ्लाइट अलग अलग शहरों के लिए शुरू होंगी। जयपुर से जैसलमेर, अमृतसर जैसे शहरों के लिए फिर से सीधी फ्लाइट शुरू होंगी। अभी इन शहरों के लिए सीधी फ्लाइट नहीं है और दूसरे शहरों की कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ कर जाना पड़ता है। एयर एशिया की फ्लाइट I-5744 सुबह 6:40 पर दिल्ली जाएगी। गोफर्स की फ्लाइट G-8-2608 रात 10:05 पर मुंबई जाएगी। स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-279 सुबह 8:35 पर मुंबई जाएगी। एयर एशिया की फ्लाइट I-5943 सुबह 11:10 पर बेंगलुरु जाएगी। स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-4018 सुबह 11:35 पर जैसलमेर जाएगी। स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-2768 शाम 6:15 पर अमृतसर जाएगी। विंटर स्केड्यूल में सबसे ज्यादा फ्लाइट दिल्ली और मुंबई शहरों के लिए संचालित होंगी। मुंबई के लिए जयपुर से रोज 11 फ्लाइट चलेंगी, जबकि दिल्ली के लिए रोज 9 फ्लाइट मिल सकेगी। इसके अलावा बेंगलुरु के लिए रोज 6 फ्लाइट और हैदराबाद अहमदाबाद के लिए 4-4 फ्लाइट संचालित होगी। जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विंटर स्केड्यूल में 2 नए शहर जुड़ेंगे। जयपुर से मुंबई 11 फ्लाइट, जयपुर से दिल्ली 9 फ्लाइट, जयपुर से बेंगलुरु 6 फ्लाइट, जयपुर से अहमदाबाद 4 फ्लाइट, जयपुर से हैदराबाद के लिए 4 फ्लाइट मिलेंगी, जयपुर से कोलकाता व पुणे के लिए 2-2 फ्लाइट, सूरत चंडीगढ़ उदयपुर के लिए भी 2-2 फ्लाइट मिलेंगी। 5 अन्य शहरों के लिए मिलेगी 1-1 फ्लाइट। चेन्नई, गोवा, गुवाहाटी, अमृतसर और जैसलमेर के लिए 1-1 फ्लाइट। कुल मिलाकर विंटर स्केड्यूल में 1.5 दर्जन शहरों के लिए करीब 52 घरेलू फ्लाइट मिल सकेंगी। हालांकि अभी भी कुछ और फ्लाइट जुड़ने की उम्मीद है। चूंकि विंटर स्केड्यूल 31 अक्टूबर से शुरू होना है, ऐसे में एयरलाइंस कुछ और शहरों के लिए भी रूट वायबल होने पर फ्लाइट शुरू कर सकती है। इंटरनेशनल फ्लाइट को मिलाकर फ्लाइट संख्या 58 होने की संभावना है। अक्टूबर से प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, अब पर्यटकों की आवक रहेगी। ऐसे में विंटर सीजन में फ्लाइट्स तो बढ़ेंगी। अब जबकि यात्री भार प्रतिदिन रोजाना 10,000 के आसपास चल रहा है, सर्दियों में दिसंबर और जनवरी के दौरान यात्री भार 15,000 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से सभी एयरलाइंस अब प्रयास करेंगी कि अधिक से अधिक फ्लाइट संचालन शुरू हो सके। कैमरा पर्सन विजय के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।